हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किंग्समैन फ्रेंचाइज के अपकमिंग मूवी किंग्समैन 3 के बारे में। किंग्समैन के ऑलरेडी 2 मूवी पहले से रिलीज हो चुकी है। पहला मूवी किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस 2014 में रिलीज हुआ था और दूसरा मूवी किंग्समैन द गोल्डन सर्कल 2017 में रिलीज हुआ था। इसका प्रोडक्शन कंपनी है मैप स्टूडियोज और क्लाउडी प्रोडक्शन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th सेंचुरी स्टूडियो। ये मूवी काफी हद तक आपको MIB मतलब मेन इन ब्लैक की तरह लग सकता है, क्योंकि मेन इन ब्लैक में भी एक सीक्रेट स्पाई एजेंसी था जो कि वर्ल्ड को तबाह होने से बचाती है। और इस मूवी में भी किंग्समैन नाम की एक सीक्रेट स्पाई एजेंसी है जो दुनिया को खत्म होने से बचाती है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे किंग्समैन मूवी MIB से ज़्यादा अच्छा लगा। आपको दोनों फ्रेंचाइज में से कौन अच्छा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। ये मूवी किंग्समैन नाम की एक कॉमिक बुक को बेस करके बनाया गया है। ये मूवी साल 1900 को बेस करके बनाया गया है, तो इसीलिए इसे किंग्समैन सीरीज की प्रीक्वल भी कहा जा रहा है। मतलब इसमें किंग्समैन स्पाई एजेंसी किसने और क्यों स्टार्ट किया ये सब दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ इतिहास के कुछ बड़े बड़े क्रिमिनल्स मिलकर दुनिया से बहुत सारे लोगों को मारने के लिए एक प्लान करते हैं, लेकिन कैसे एक लोग और उनके कुछ साथी मिलकर पूरे दुनिया को बचाते हैं ये सब मूवी में दिखाया जाएगा। इसका 2 मूवी पहले से भी रिलीज हो चुका है। स्टोरी लाइन, एक्शन सीन और ग्राफिक्स की बात करें तो ठीक ठाक ही है। इस फ्रेंचाइज के फर्स्ट पार्ट में जो चर्च वाला एक्शन सीन था वो एकदम जबरदस्त था। आप लोगों ने अभी तक इसका कुछ भी पार्ट नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि इसका दोनों पार्ट जरूर देखें। इसकी थर्ड मूवी के ट्रेलर भी रिलीज हो चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखना। एक्चुअल में ये मूवी 15 नवंबर 2019 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज डेट पोस्टपोन करके फरवरी 14 2020 को दिया गया। लेकिन फिर से रिलीज डेट को पोस्टपोन करके 18 सितंबर 2020 को दिया गया। लेकिन COVID-19 की केस जैसे इंक्रीज हो रही है तो लगता नहीं कि इस साल कोई भी मूवी रिलीज हो सकती है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो रिलीज डेट 18 सितंबर 2020 को ही दिया गया है। अभी बात करते हैं कास्ट के बारे में। राल्फ फिनेस आज ड्यूक ऑफ ऑक्सफोर्ड, गेमा आर्टरटन आज पोली, स्टैनले टूसी आज मर्लिन, हैरिस डिकिन्सन आज कोनार्ड, राइस इफेंस आज ग्रिगोरी रास्पुटिन, मैथ्यू गोड आज कैप्टन मोर्टन, टॉम होलैंडर आज जॉर्ज भी, और इनके साथ साथ और भी कुछ लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।